Now, the exodus of TMC leaders continues. In a recent blow to Mamata Banerjee, Rajya Sabha MP Dinesh Trivedi has now announced his resignation in the Rajya Sabha during the debate on the budget. Speaking at the Rajya Sabha, he said that he is feeling suffocated within the TMC and he could not work towards development in Bengal. This is why he is resigning and has now decided to go back to Bengal to work on development. TMC, though, has now played down Dinesh Trivedi's resignation. TMC MP Sukendu Shekhar Roy has now said that the resignation of Dinesh is not an issue as TMC means grassroots. And this will now give TMC an opportunity to send a grassroots worker to Rajya Sabha shortly. According to sources, Dinesh Trivedi may join the BJP in a couple of days, but BJP Bengal leader Kailash Vijayvargiya said that Trivedi has not yet spoken to BJP. Trivedi joins the big list of TMC leaders now who have left the party in recent days. Recently, Bengal Minister Rajiv Banerjee resigned and joined the BJP with his aides. आज पूरी दुनिया भारतवर्ष की तरफ देख रही है और हमारे इतना कठोर इतना कड़वाहट इतना वायलेंस बंगाल में तो हम यहाँ बैठे बैठे किस प्रकार अपनी आत्मा से समझौता कर सकते हैं तो ये बड़ा देश के लिए बड़ा भावुक मेरा एक निर्णय था और मैं खुश हूँ कह जा रहा है कि गुजरात से आप जो है राज्यसभा में आएंगे वहाँ पे सीट खाली है और बीजेपी आपको देखिए यदि हम इस प्रकार से लेन देन की बात करें ना तो मैं अपने नजर में खुद छोटा हो जाऊं राज्यसभा में तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता हैं दिनेश त्रिवेदी जी बैरकपुर से उन्होंने इस्तीफा दिया अब बड़ी चर्चा गर्म है कि आप उनको एक भगवा साफा पहनाने वाले हैं कब होने वाला है देखिए ऐसा कुछ नहीं मैं समझता हूँ कि जो मैंने उनका भाषण सुना मेरा ख्याल है कि सदन के इतिहास में पहली बार किसी सदस्य ने ऑन रिकॉर्ड अपनी पार्टी की हिंसा की राजनीति की आलोचना की ऑन रिकॉर्ड बाहर आके लोग बोलते हैं पर सदन के अंदर रजिस्टर हुआ ये और ये बहुत गंभीर मसला और विशेषकर दिनेश त्रिवेदी इतने गंभीर व्यक्ति हैं इतने सीनियर लीडर हैं इतने सीजेंट पर्सन है कि वो यदि पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं इसका मतलब है कि पार्टी में क्या चल रहा है इसका अंदाज सबको लग सकता है और मैं मानता हूँ कि दिनेश त्रिवेदी एक अच्छे राजनेता हैं बढ़िया राजनेता हैं और उन्होंने यदि कोई कमेंट्स किया तो इसको बंगाल की जनता भी गंभीरता से लेगी और देश की जनता भी गंभीरता से लेगी तो आप उनको चुनाव लड़ाएंगे जब वो ज्वाइन करेंगे मेरे से संपर्क अभी तक नहीं हुआ उनसे पर वो दिल्ली में शायद हमारे नेताओं से चर्चा हुई तो मुझे पता नहीं पर हाँ मेरी अच्छी मित्रता है उनसे नहीं तो वो जैसे राज्यसभा में वापस जाएंगे बीजेपी के साथ रहते हुए या यहाँ पे आप चुनाव लड़ाएंगे नहीं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि मेरे से कोई संपर्क भी नहीं हुआ वहीं पर दिल्ली में उनकी चर्चा हुई है बस ज्वाइन करने के वो उन्होंने इस्तीफा दिया इतना ही पता लगा मुझे यदि ज्वाइन करेंगे पार्टी में तो मुझसे पूछेंगे मैं बता दूं कि यहां जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कोई भी ये बात नहीं मानेगा कि जो आप कह रहे हैं वो सच है कि आपकी जानकारी में नहीं है कि वो कब कैसे क्यों ज्वाइन करेंगे आपकी पार्टी लेकिन ठीक है आप स्टेज पर बैठे हैं आप ये कह रहे हैं वो आपका हक है आप जबरदस्ती लोगों को ये मनवाने के लिए अगर कह रहे हैं तो कोई बात नहीं बाकी मेरी बात पे सब विश्वास करते हैं आप पूछ लीजिए किसी पर It's certainly a very dramatic development for a member to resign on the floor of parliament. It's certainly dramatic and Dinesh Trivedi is a person who's very quite articulate so I'm sure he'll be able to cite what are the reasons behind the apparent reasons of his resignation. I think it would be fair to say that overall, without prejudging what he's going to do next, I think it just suggests that the cracks developing within the Trinamool Congress, which we've seen evidence so far, are probably much deeper than a lot of people suspect. তো ভালো মানুষ খারাপ পার্টিতে ফেসে গেছিলেন এখন ওখান থেকে মুক্তি চাইছেন বাংলাকে মুক্ত করতে চাইছেন তো মমতা ব্যানার্জির এই যে মানসিক সন্তুলন মানে ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে গেছে কাকে কি বলতে হচ্ছে তিনি বুঝতে পারছেন না মাননীয় শিশিরবাবু থেকে আরম্ভ করে তার ভাইপো যেরকম বলেছে আর উনি প্রধানমন্ত্রী বা গৃহমন্ত্রী বা নাড্ডাই সম্বন্ধে যেখানে শব্দ প্রয়োগ করেছেন আমি জানি না পশ্চিমবঙ্গের কালচার এটা আছে কি না আর সেই জন্য যেটুকু আরও ভদ্রতা আছে পার্টিতে ভদ্রলোক আছেন তারা সবাই ধীরে ধীরে ছেড়ে চলে আসবে দিনেশ ত্রিবেদি জেসা লিডার বৈশাখী পে চলতে पहले उनका बैसाखी थे टीएमसी अभी वो बैसाखी बनाएगा बीजेपी को क्योंकि जाने वाला ही था एक अच्छा बहाना मिल गया लेकिन बंगाल में
दिनेश त्रिवेदी जैसे नेताओं को बीजेपी पार्टी अपने पार्टी में शामिल करके बहुत सारे फायदा उनको मिलेगा, ये मुझसे नहीं लगता। झटका एकदम नहीं है, तो ग्रासरूट के नहीं थे, लोकसभा हार गए थे, फिर ममता बनर्जी उसको राज्यसभा में भेजी थी। झटका नहीं है, तृणमूल मतलब ग्रासरूट, वो अगर रिजाइन करते हैं यह हमें मौका देगा और एक ग्रासरूट के वर्कर को राज्यसभा में भेजने को। Now, while speaking on day one of the India Today conclave, East West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee accused the BJP of threatening the opposition leaders to join their party. She also dismissed threats from turncoats. Let's take a listen. Didi, is election mein pichle kuch mahine mein aapki party ke kuch neta join kiye BJP ko. आप इसको कैसे देख रहे हैं कि आपके बीजेपी का पार्टी का भी बहुत हमारा पार्टी में ज्वाइन किया। ये चुनाव का टाइम में होता है, कोई कोई पार्टी को लीडर को मालूम होता है कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलने वाला है। और बीजेपी तो अभी क्या किया, जिसका कोई अगर कोई करप्शन है तो वो लोगों का है, इसी के लिए वो बांचने के लिए बीजेपी का पार्टी का गया कि वो लोग तो डायरेक्ट फोन करके डराता है ना, आप अगर हमारा पार्टी में नहीं आओगे तो आपको डिवोर्स हो जाएगा, आप अगर हमारा पार्टी में नहीं आओगे तो आपको हम जेल में भर देगा, ऐसे ऐसे थ्रेट करता है। उसी के लिए थ्रेट के लिए दो चार गया है, जो गया है हमारे लिए अच्छा है। हम सफेद हो गया है, बीजेपी वॉशिंग मशीन में सफेद हुआ है लेकिन बहुत काला हुआ है, काला मुख और काला हुआ है। पर जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से ये लीडर्स थे वहां पे उसको काउंटर करने के लिए उनकी एब्सेंस की कमी आपको नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट से गया उसका साथ दो तीन एमएलए भी नहीं गया। सपोज 19 MLA इज देयर, 17 MLA इज देयर, नहीं है, इतना सस्ता नहीं है बाबू। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.